हेलो किड्स, वेलकम टू एबीसी किड्स लर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक पोयम। इसका नाम है वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। ये पोयम है क्लास वन की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक में मैरीगोल्ड यूनिट फोर के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस पोयम को रीड करेंगे, जो भी इसके वर्ड्स हैं उनको हिंदी में समझेंगे, साथ में पूरी पोयम को भी हिंदी में हम इसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि पोयम का नाम है वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। वंस का मतलब होता है एक बार, आई मतलब मैंने, सॉ मतलब देखी, अ मतलब एक, लिटिल मतलब छोटी, बर्ड मतलब चिड़िया। मैंने एक बार एक छोटी चिड़िया देखी, तो इसका मतलब इस पोयम के अंदर कोई एक बॉय है या गर्ल है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, एक बॉय, एक लड़का है, वो ये पोयम के अंदर बता रहा है कि मैंने एक बार एक चिड़िया देखी। और उसके बाद में क्या होता है वो इस पोयम के अंदर लिखा हुआ है। तो वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, मैंने एक बार, आई मतलब मैंने, वंस एक बार, सॉ देखी एक छोटी चिड़िया। कम हॉप हॉप हॉप, कम मतलब होता है आना, वो बुला रहा है कम आओ। हॉप मतलब कूदना, तो चिड़िया जो होती है उड़ने के बाद जब कहीं नीचे बैठती है या पेड़ की डाली पे बैठती है तो वो चलती नहीं है, एक जगह से दूसरी जाने के लिए धीरे धीरे से कूदती है, उसको बोलते हैं हॉप करना। तो वो छोटा लड़का क्या बोल रहा है, जब मैंने एक बार एक छोटी चिड़िया देखी तो मैंने उसको क्या करा, बुलाया कम इधर आओ, हॉप 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 कूद कूद के इधर आओ। आई क्राइड लिटिल बर्ड, आई मतलब मैं, क्राइड मतलब रोया, लिटिल बर्ड छोटी चिड़िया, मैं रोया छोटी चिड़िया। विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, विल मतलब पूछ रहा है वो, यू मतलब तुम, मतलब चिड़िया को बोल रहा है तुम, स्टॉप मतलब रुकना, वो उसको रोके बोल रहा है क्या तुम रुकोगी, स्टॉप 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 रुक जाओगी, क्योंकि वो चिड़िया के साथ बात करना चाहता है या चिड़िया को खिलाना चाहता है। तो वो लड़का क्या बोल रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में, मैंने एक बार एक छोटी चिड़िया को देखा, उसको मैंने बुलाया कि तुम कूद कूद के यहाँ पर आओ। आई क्राइड, फिर मैं रोया, छोटी चिड़िया क्या तुम रुकोगी, रुकोगी तुम। अब सेकेंड पैरा में क्या लिखा है, आई वॉज गोइंग टू द विंडो, आई मतलब मैं, वॉज मतलब था, गोइंग मतलब जाना, तो गोइंग मतलब जा रहा था, टू को द विंडो, विंडो के पास में, आई वॉज गोइंग टू द विंडो, मैं विंडो खिड़की के पास में जा रहा था। टू से मतलब होता है बोलना, हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो, वो लड़का बोल रहा है मैं खिड़की के पास जा रहा था बोलने के लिए चिड़िया को कि तुम कैसी हो। बट ही शुक हिज लिटिल टेल, बट मतलब लेकिन, ही मतलब यहाँ पे चिड़िया के बारे में बात हो रही है, शुक मतलब हिलाना, हिज मतलब अपनी, यहाँ पे चिड़िया की जो भी अपनी चीज है उसके लिए हिज यहाँ पर यूज किया है, लिटिल मतलब छोटी, टेल मतलब पूंछ, लेकिन उसने मतलब चिड़िया ने अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई, एंड अवे ही फ्लू, और अवे मतलब दूर, ही मतलब चिड़िया, फ्लू मतलब उड़ गई, लेकिन वो चिड़िया मुझसे दूर उड़ गई। तो सेकंड पैरा के अंदर वो बॉय बोल रहा है कि मैं खिड़की के पास जा रहा था उससे पूछने के लिए कि तुम कैसी हो, लेकिन उसने अपनी पूंछ हिलाई और वो मुझसे दूर उड़ के चली गई। और इस पोयम के अंदर एक लड़का एक चिड़िया के पास जाता है, पहले तो वो उसको देखता है, उसको बुलाता है कि तुम इधर आओ कूद के, फिर उसको बोलता है क्या तुम रुकोगी, लेकिन वो नहीं रुकती, तो वो खुद खिड़की के पास चल के जाता है उससे बात करने के लिए, पूछने के लिए कि तुम कैसी हो, लेकिन वो चिड़िया अपनी पूंछ हिला के उड़ जाती है। तो इस पोयम के अंदर इतना बताया है।
आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको पोयम समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस पोयम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने हैं, इस पोयम के अंदर जो भी न्यू वर्ड्स हैं इंग्लिश के उनका मीनिंग हिंदी में समझना है, तो उसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसमें इस पोयम को रीड किया है, जो भी इम्पॉर्टेंट न्यू वर्ड्स हैं उनका मीनिंग हिंदी में समझाए हैं, साथ में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी हिंदी में समझाया है। तो वो वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसकी लिंक दी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और चैप्टर्स ऑफ पोयम को समझेंगे।